अभी तक उठी नहीं हूँ गाइस, अभी उठ जाऊंगी और पहले मैं खिड़कियां खोल देती हूँ। सुबह आ गई है गाइस, देखो और उठ जाते हैं हम। इस तो बहुत सारा काम भी होगा, कुछ नहीं किया मैंने, अभी नहाऊंगी और आज एक्सरसाइज नहीं करूंगी। इवनिंग को देखते हैं, 3 दिन से मैं एक्सरसाइज नहीं करी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इतना सारा काम होता है तो देखते हैं, फिर सारा काम होगा आज। मेरा किचन की हालत बहुत ही ख़राब है, सब साफ करना है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर आगे, है ना गाइस। तो जैसे कि हालत देखकर समझ गए होंगे मैं कितनी बीमार हूँ, तो बने रहिएगा आप लोग। तबीयत खराब है मेरी, तो अब मैं हेयर बना लूँगी। 3 दिन से नहीं बनाए थे हेयर, तो देखो हेयर की हालत, मेरा हेयर भी झड़ गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेजे ब्लॉग एंड फूड। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक है। कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज थोड़ा ठीक लगा और उठकर नहाई नहा धोकर आ गई हूँ इस रूम पर। थोड़ा हेयर भी बना लिया और ये साड़ी भी पहन लिया। छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगी। मैं तैयार ऐसे आज ऐसे ही रहूँगी, और चलिए मेरे साथ, मुझे एक गिलास पानी पीना है, चलो मेरे साथ आप लोग। पहले चलते हैं किचन, सारा काम होता है गाइस, इस लाइट को कर देते हैं ऑफ। चलो इस रूम को थोड़ा सा साफ कर लिया है, क्योंकि लोग आते हैं ना इस पर ही बैठते हैं, इसलिए उतने ही इसको साफ किया। और ये सारा रूम भी मैंने आज क्लीन कर दिया, उसके बाद आज नहाइए हम पड़ा है। अभी मुझे पीना है ये वारिस पानी। एक ग्लास पी लेती हूँ, इसके बाद थोड़ा सा कप मिल गया मुझे। मैंने पानी पी लिया है। पानी पीने के बाद आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ था, पहले उसको साफ कर लूँगी और बाद में किचन साफ करूँगी। और हस्बैंड जी भी आ गए हैं ड्यूटी से। मुझे आज बहुत लेट हुआ, इतना सर दर्द हो रहा था, उठने में बहुत लेट हुआ, इसीलिए काम अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। और मुझे पहले किचन को साफ करना होगा, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना होगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक गाइस। ये लेमन का असर है गाइस, नमक में डाला था ये। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी ना दोस्तों, मैं बिस्तर से हिल भी नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैं 3 दिन से किचन में नहीं आई थी। सिर्फ हस्बैंड ने खाना बनाया था, हाँ मैं बर्तन धोकर देती थी उसको, थोड़ा उठ गई थी और बर्तन सब धोकर देती थी और वो बना लेते थे। मुझे खाना भी नहीं खाना हुआ था इन दिनों, मुझे इतना बुरा लगा था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। आज थोड़ा ठीक लगा, दवाई मैंने खाई और इसलिए आज उठ पाई हूँ। तो आप लोग भी ख्याल रखिएगा, गर्मी पड़ी है ना दोस्तों, इसलिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हाउसवाइफ अगर बीमार पड़ जाए ना, तो घर का हालत बहुत ही खराब होता है, इसीलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो मैंने खाना भी बना लिया है और बाकी किचन का काम तो हो गया, लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी। 3 दिन से मैंने साफ नहीं किया था दोस्तों, आज करती हूँ मैं साफ इसको। ये तार बार इससे ही रख देते हैं, बच्चे साफ कर देते हैं ना दोस्तों। इतनी धूल थी ना दोस्तों, पूछो मत आप लोग, मैंने साफ ही नहीं किया था 3 दिन से। तो आप लोगों को बोला भी है पहले, तो अब मैं करती हूँ इसको साफ। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है गाइस, तो सावधान रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझे देखो मैं इतना केयर करती हूँ खुद का, फिर भी मुझे बुखार आ गया, बीमार पड़ गई है।
लगाऊंगी पोछा दोस्तों, बहुत धूल है इस रूम पर, ये रूम ही आस पास सा लगाऊंगी, बाकी आस नहीं करूंगी। तो थोड़ा शेयर कर दिया आप लोगों को। तो मेरा भी खाना हो गया दोस्तों, अभी मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का मेरा लंच। तो मैं लंच करती हूँ और इस ब्लॉग की ही एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए एक एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं कर रही हूँ फिर से लाइव, आप लोग आ जाना, ज्वाइन कर लेना। अगर मेम्बरशिप लेना है तो मेम्बरशिप वीडियो भी ऑलरेडी है। तो मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग पर, तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए हमेशा और मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो मिलती हो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।